जो कि बैंकों में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनी एंड ज्वेलर्स प्रॉपर्टी डीलर जहां पे ज़्यादा बल्क कैश होता है वहां पे ये मशीन यूज की जाती है। बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है, 6 से 8 घंटे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन होता है चेक, बैच, फ्री, स्टेम मोड। स्टेम मोड अब चलता नहीं है, बाकी ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं, इसमें सिंपल काउंटिंग करके देखते हैं। इसमें आपका बंडल भी काउंट होता है, जैसे 100 का बंडल होता है तो 100 का आ गया, पूरे काउंट करके दिखा दिए। उसके बाद ये मशीन अभी चेक मोड पे थी, अभी ये 100 नोट का तो ओके कर दिया, लेकिन अगर हम जैसे एक नोट कम कर देते हैं तो देखिए ये इसको 20 देने लगेगा। नोट कम है तो ये बीप चेक का बटन बीप देने लग गया साथ में, और चेक की लाइट आपकी ब्लिंक करने लगी। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ से क्लियर करेंगे, ये खुल जाएगा, या रीसेट बटन दबा देंगे तो भी खुल जाएगा। तो जब भी हमारे ऐसा हो तो एक नोट ऐड करके कम हो तो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट मोड है बैच। आपको बंडल बनाना है, मान लीजिए ये 100 का नोट, आपको 50 नोट काउंट करने हैं, तो यहाँ बैच दबा के बैच पे लाइट आ जाए, आप जितने का भी बैच बनाना उतना यहाँ अमाउंट पुट कर दीजिए। मैंने 50 सेट कर दिया, 50 नोट काउंट करने के बाद मशीन स्टॉप हो गया, ये आपका 50 नोट काउंट हो गया। तो अब यहाँ से मैंने क्लियर कर लिया, ये 50 नोट अलग हो जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद फ्री मोड है, अभी जैसे पूरा काउंट करती है तभी मशीन फ्री होती है, तो उसके लिए आपको फ्री मोड पर जाना है। फ्री पे आ गया, अब जितने भी नोट होगा मशीन काउंट होगी तो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से ये फ्री मोड हो जाता है। उसके बाद ऐड मोड हो जाता है, जिसमें कि आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं। ये ऐड मोड हो गया, जितनी बार भी आप डालते जाएंगे ये ऐड करता जाएगा, 300 हो गया। तो ये आपका ऐड मोड हो गया।